पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री के बेहतरीन अदाकार फिरोज़ खान खुदा और मोहब्बत सीज़न 3 में और इसके अलावा खानी सुपरहिट ड्रामा में काम करने वाले फिरोज़ खान बहुत ही ज़्यादा जाने पहचाने हैं और उनके फैंस दीवाने हैं। अदाकार फिरोज़ खान को सर्जरी करवाना महंगा पड़ गया, उनका चेहरा हो गया ख़राब। आज की वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं। मशहूर पाकिस्तानी अदाकार फिरोज़ खान ने इस बात का इंकशाफ किया है कि उन्होंने एक कॉस्मेटिक सर्जरी करवाई थी जो कि काफ़ी गैर मुतवक्को साबित हुई थी। अदाकार ने एक शो में मज़ाकिया अंदाज में अपनी कॉस्मेटिक सर्जरी के बारे में बताते हुए कहा कि उन्हें पानी के अंदर एक सीन की शूटिंग करवानी थी जिसके लिए उन्होंने अपना वज़न कम किया था और उनकी वर्जिश करने का मामूल बहुत सख्त था। उन्होंने बताया कि शूटिंग के लिए जब उन्हें काफ़ी ज़्यादा वर्कआउट करना पड़ा और उनका वज़न कम हुआ तो उनका चेहरा बहुत बुरी तरह मुतासर हुआ, उनके गाल बिल्कुल पिचके हुए लगने लगे थे। अदाकार ने मज़ीद बताया कि अपने गालों की ख़राब हालत देखकर उन्होंने कॉस्मेटिक सर्जरी करवाने का फ़ैसला किया। फिरोज़ खान ने अपनी कॉस्मेटिक सर्जरी की गैर मुतवक्का साबित होने का इतराफ़ करते हुए कहा कि सर्जरी के बाद ही उन्हें एहसास हुआ कि गालों की कॉस्मेटिक सर्जरी करवाने का उनका फ़ैसला गलत था। उन्होंने अपने इस गलत फैसले पर हंसते हुए कहा कि जब मैंने अपने आप को आईने में देखा तो फौरी तौर पर गालों में सर्जरी से लगे फिलर्स को तहलील करना चाहा। उन्होंने मज़ीद कहा कि सर्जरी के बाद वो तस्वीरों में भी अजीब और मोटे नज़र आ रहे हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है, क्या फिरोज़ खान को सर्जरी करवानी चाहिए थी या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। आपकी कीमती राय का इंतज़ार रहेगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखें और मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।